नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और स्वागत है आपका मेरे शो में जिसका नाम है साइंस शो। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स के बारे में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट्स के बारे में। दोस्तों चार सिस्टम होते हैं, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और SI सिस्टम। SI सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे SI यूनिट्स जो कि SI यूनिट होते हैं वो होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला SI यूनिट्स के बारे में। तो दोस्तों जो वर्क, एनर्जी, टॉर्क, हीट, ये सब हैं, ये सब दोस्तों एक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और ये इनके फॉर्मूले हैं। और दोस्तों डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट्स ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वर्क, और मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। दोस्तों कई प्रकार होते हैं दोस्तों समझाने के लिए, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है जो कि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है और ये दोस्तों सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लगभग। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वर्क जो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, जो कि इसका फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एनर्जी जो कि कोई भी एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क जिसका फॉर्मूला है फोर्स इंटू लेंथ, हीट और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी कोफिशेंट, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही है, ML2T-2। और दोस्तों एम मीन्स मास, एल मीन्स लेंथ और टी मीन्स टाइम, जो कि इन तीनों के मिक्सचर से बना है डायमेंशनल फॉर्मूला। और दोस्तों इसका ऐसा यूनिट है जोल, जो कि आप देख सकते हैं, मतलब वर्क, एनर्जी, टॉर्क, हीट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कोफिशेंट, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला ML2T-2 है और ऐसा यूनिट जोल है। तो दोस्तों आगे आगे बात करें हम, तो दोस्तों लेटेंट हीट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेटेंट हीट मतलब हीट एनर्जी अपॉन मास, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब वर्क अपॉन मास। दोस्तों इन इन दोनों का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला और एक ही ऐसा यूनिट है, ML2T-2 और जोल कैलविन, जोल पर कैलविन इसका ऐसा यूनिट है। तो दोस्तों आगे बात करें हम लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स की। तो दोस्तों लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब MVP इज इक्वल टू MV, और इम्पल्स का मतलब है फोर्स इंटू टाइम। तो दोस्तों इन दोनों का भी एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला है ML T-1, एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ, टी मतलब टाइम। तो इनका ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों आगे बात करें हम स्पीड, वेलोसिटी जो कि एक ही है, स्पीड और वेलोसिटी एक ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम और टर्मिनल वेलोसिटी इन दोनों का एक ही है ML0LT-1, और ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों कुछ ऐसे ऐसा यूनिट होते हैं जिनका, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका दो दो ऐसा यूनिट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि फ्रीक्वेंसी, इसको हर्ट्स में भी, इसका ऐसा यूनिट हर्ट्स भी हो सकता है, पर सेकंड भी हो सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं पर सेकंड भी हो सकता है और हर्ट्स भी हो सकता है। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। और दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड, दोस्तों पता है आपको स्पीड और वेलोसिटी एक ही होता है, इसको हम रेडियन पर सेकंड के भी, रेडियन पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट भी हो सकता है। दोस्तों रेडियन पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट हो सकता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम, और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M0L0T-1। समझ गए दोस्तों। आगे हम बात करेंगे एंगल, पॉइजन रेशियो, रेनॉल्ड्स नंबर, स्ट्रेन और रिलेटिव डेंसिटी। तो दोस्तों इनका कोई ऐसा यूनिट, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होते हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट और हीट कैपेसिटी की। तो दोस्तों इनका भी एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2T-2K-1। दोस्तों के माइनस वन का मतलब पर कैलविन, और इनका ऐसा यूनिट होता है जूल पर कैलविन। दोस्तों जूल पर कैलविन इनका ऐसा यूनिट होता है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन दोस्तों आपको पता ही एक्सेलरेशन क्या होती है, बचपन से सीखा हमने वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको और एक्सेलरेशन। दोस्तों एक्सेलरेशन के बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट। दोस्तों इन सभी का एक ही ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर।
और डिमेंशनल फॉर्मूला होता है एम जीरो एल टी माइनस टू। दोस्तों एम जीरो एल टी माइनस टू इन सभी का डिमेंशनल फॉर्मूला होता है। और एंगुलर एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम सरफेस एनर्जी और स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम के से भी डिनोट करते हैं, के मतलब के इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो दोस्तों इन सभी का एक ही ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, और एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे यंग्स मॉडुलस, गेज प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस प्रेशर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉडुलस, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, एडियाबेटिक सॉप बबल। तो दोस्तों इन सभी का एक ही ऐसा यूनिट होता है, सॉरी दोस्तों इन सभी का एक ही ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। पर हम दोस्तों प्रेशर को, सिर्फ प्रेशर को हम पास्कल से भी डिनोटेड कर सकते हैं, पास्कल इसका ऐसा यूनिट भी हो सकता है। और दोस्तों इन सभी का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। समझ के दोस्तों प्रेशर जो कि पास्कल, जिसका ऐसा यूनिट पास्कल भी हो सकता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे विदाउट एनी ट्रिक। तो दोस्तों जैसे कि रेजिस्टेंस एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। दोस्तों इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम। ओम इसका ओम ऐसा यूनिट होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम दोस्तों, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो दोस्तों इसके लिए इसको महो, ओम का उल्टा महो कर दिया गया है, ऐसा यूनिट इसका महो होता है। तो दोस्तों रेजिस्टिविटी आ गया है, रेजिस्टिविटी तो दोस्तों रेजिस्टिविटी एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और ओम मीटर इसका एस आई यूनिट होता है। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, तो दोस्तों एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी थ्री ए टू इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और महो पर मीटर इसका एस आई यूनिट होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन होता है एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। दोस्तों ए का मतलब होता है एम्पेयर, एम्पेयर। तो दोस्तों इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, और इसको बैवर मीटर पर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे चार्ज की, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम जीरो एल जीरो टी ए, और इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। तो दोस्तों करंट के बारे में बात करें तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो ए, और इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर। पोटेंशियल डिफरेंस एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। तो दोस्तों आगे बात करें हम मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो इसका ऐसा यूनिट बैवर होता है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। तो दोस्तों लास्ट एंड फाइनल होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी, हेनरी इसका ऐसा यूनिट होता है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। जैसे कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ, मान लिया दोस्तों फोर्स होती है एम एल टी माइनस टू, ठीक है दोस्तों, उसका सही यूनिट न्यूटन होता है। और फोर्स और विस्कस ड्रैग एक ही होते हैं, मतलब इनका ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है, और डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू ही होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने फोर्स इंटू लेंथ निकाली, तो दोस्तों एम एल टी माइनस टू इंटू लेंथ का होता है एल, ठीक है दोस्तों, लेंथ का होता है एल। तो दोस्तों बेस सेम, पावर एट वन प्लस वन टू, तो एम एल टू टी माइनस टू आ गया दोस्तों, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर दोस्तों इसके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तरीका सबसे बेस्ट है, ये तरीका सबसे बेस्ट है, इससे आप आसानी से याद रख सकते हो दोस्तों। तो ओके दोस्तों, टेक केयर।